पेश है प्राइम टाइम बुलेटिन। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं कमलनाथ। विधायक दल की बैठक में विधायकों ने राहुल पर छोड़ा अंतिम फैसला। शिवराज सिंह ने एमपी में ली हार की जिम्मेदारी। कांग्रेस से कहा 10 दिनों में करे किसानों का कर्ज माफ। कहा अब चौकीदारी की बारी मेरी। 2008 में हमने वोट प्राप्त किए थे 38%, आप इसे ध्यान रखें, और सीट हमको मिली थी 143। इस बार वोट प्राप्त किए हमने 40%, सीट हमें मिली 109। कई बार जन समर्थन जनादेश का अंक गणित बिल्कुल अलग हो जाता है। वैसे पहले से भी ज्यादा प्राप्त करने तो भी सफलता वैसी दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बात सच है कि हम बहुमत प्राप्त नहीं कर सके, अपेक्षित सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाए, और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल शिवराज सिंह चौहान है, केवल मैं हूं। राजस्थान में सीएम पद के लिए गहलोत और पायलट के समर्थकों के बीच मचा घमासान। देर शाम तक सचिन पायलट के समर्थकों ने किया हंगामा। टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तेलंगाना में दूसरी बार बनेगी उनकी सरकार। चुनाव में टीआरएस ने 88 सीटों पर की थी जीत दर्ज। आरबीआई के नए गवर्नर का विरोध। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया नए गवर्नर को चिदंबरम का आदमी। कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि शक्तिकांत दास कैसे बने नए गवर्नर। पाकिस्तान से वापस लौटने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने की कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात। सिद्धू का कैप्टन कौन, इस बात को लेकर हुआ था विवाद। कैप्टन साहब से सबसे पहले मिलने गया, बहुत अरसा हो गया था कैप्टन साहब से मिले, और कल जब राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वहां भी ये जिक्र हुआ कि कैप्टन साहब की सेहत कुछ नासाज थी, उनके लिए कुछ पाकिस्तान से। मैं जब भी उनका फोन सुनता था तो काला तीतर बोला करता था उनके फोन में। तो जब मुझे पाकिस्तान में एक बड़े नायाब जर्नलिस्ट साहब उन्होंने ये दिया तो मुझे लगा कि ये कैप्टन साहब के लिए ही अनुकूल है, और आज उन्होंने कहा कि मैं वाइल्ड लाइफ से इसकी परमिशन लूंगा, अदरवाइज ये अलाउड नहीं होता। शाहरुख की फिल्म जीरो का एक और गाना हुआ रिलीज। फिल्म 21 दिसंबर को होगी रिलीज। फिल्म के लीड रोल में शाहरुख के अलावा कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा भी दिखेंगे। फिल्म का ट्रेलर शाहरुख के जन्मदिन पर किया गया था रिलीज। अंबानी के घर बजी सहनाई। ईशा ने आनंद पीरामल के साथ लिए सात फेरे। बॉलीवुड स्पोर्ट्स और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा शादी के बंधन में बंधे। गिन्नी चतरथ के साथ लिए फेरे। बॉलीवुड सितारों को मुंबई में देंगे रिसेप्शन। कोहली की वजह से रवि शास्त्री को बनाया गया था टीम इंडिया का कोच। सीईओ की मेंबर डायना इडुलजी ने कहा रवि शास्त्री को नियमों की अनदेखी कर बनाया गया कोच। हम हैं हिंदुस्तान समाचार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।